नमो नारायण मित्रों, स्वागत है आपका अपने ही प्रोग्राम भाग्य मंथन में। मैं ज्योतिषाचार्य राहुलेश्वर। नया साल आ रहा है, नई उम्मीदें नए अवसर ला रहा है। खो गई थी जो उम्मीदें दुनिया की भीड़ में, उनको याद दिला रहा है। आइए जानें इस साल किस राशि का भविष्य कैसा रहेगा। मंदी जो कि 2007 से लगातार बढ़ती जा रही थी, 2016 के बाद नीचे आती हुई धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। व्यापारियों के लिए अच्छा समय आने वाला है। व्यापार के लिए सरकारी नीतियां अच्छी होंगी। दो बड़े देशों में इस वर्ष युद्ध हो सकता है। दो महादेशों में युद्ध की स्थितियां प्रबल हो रही हैं। विश्व में असंतोष बढ़ेगा और छोटी घटनाएं बड़ी कार्रवाई का रूप लेंगी। यह साल पुराने हिसाब किताब खत्म करने के बाद अच्छा प्रभाव बनाएगा। आइए देखें इस साल मेष राशि पर, जो 2016 में मेष राशि है उस पर क्या असर रहेगा। मेष राशि अश्विनी नक्षत्र के चार चरण, भरणी नक्षत्र के चार चरण और कृतिका के एक चरण से मिलकर बनती है। इस प्रकार नौ चरणों से मिलकर मेष राशि बनती है, जिनके स्वामी ग्रह मंगल हैं। मेष लग्न व राशि में उत्पन्न बच्चा स्वभाव से थोड़ा क्रोधी, मान देने वाला, धनी, अपने लोगों से लड़ने वाला, लड़ने में जीतने वाला और दूसरे लोगों को साथ देने वाला होता है, बल्कि अपने परिवार वालों का साथ ज्यादा नहीं देता। इस वर्ष लक्ष्मी प्राप्ति में मेष राशि कितना अच्छा फल देगी, यह देखते हैं। मेष राशि वालों के लिए यह वर्ष अच्छे व बुरे दोनों प्रभाव लेकर आ रहा है। फरवरी 2016 से जुलाई 2016 तक आपको धन संबंधी क्षेत्र में थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन जुलाई 2016 के बाद अचानक धन आगम अच्छे से होने लगेगा। मेष राशि के लिए व्यापार और कारोबार के क्षेत्र में यह वर्ष कैसा रहेगा, आइए देखें। व्यापारियों के लिए यह वर्ष ठीक ठाक है। जुलाई तक कोई बड़ा निवेश ना करें, जुलाई माह के बाद ही किसी प्रकार के बड़े निवेश में अपना हाथ डालें। इस वर्ष व्यावसायिक कारणों से विदेश भ्रमण भी हो सकता है। कार्यस्थल पर बिजली की पुरानी वायरिंग को दुरुस्त करवाएं और अग्नि से इस वर्ष अपने कार्यस्थान को बचा कर रखें। संपत्ति में निवेश के लिए यह वर्ष देखें कैसा रहेगा। इस साल संपत्ति में निवेश अच्छा रहेगा, परंतु जैसा मैंने कहा कि जुलाई के बाद का समय आपके लिए अच्छा रहेगा, इसलिए कोई भी निर्णय जुलाई के बाद ही ले। पारिवारिक शांति। इस वर्ष मेष राशि वालों के लिए परिवार की तरफ से आपको थोड़ी परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। संपत्ति को लेकर विवाद हो सकते हैं। इस साल जुलाई तक स्वयं पर काबू रखें, गलत वाणी के प्रयोग से भी बचें। अपने दृष्टिकोण को बिल्कुल सही समझकर कोई निर्णय ना लें। किसी निर्णय को लेने से पहले घर के किसी बड़े से सलाह जरूर लें। विवाह व प्रेम के क्षेत्र में मेष राशि। आपकी राशि से सप्तम स्थान पर मंगल के होने से इस वर्ष जुलाई तक दाम्पत्य जीवन व प्रेम संबंधों में थोड़ी समस्याएं आती दिख रही हैं। यह ग्रह प्रभाव जुलाई तक ज्यादा प्रबल हैं, इसलिए स्वयं पर संयम रखें। बच्चों के शिक्षा क्षेत्र में मेष राशि का इस बार क्या प्रभाव रहेगा, ये देखें। मेष राशि वालों को इस बार जुलाई तक पढ़ाई में दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन उसके बाद का समय आपके लिए अच्छा रहेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं का फल भी आपके पक्ष में रहेगा। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर माह में घर के बच्चों का स्वास्थ्य का बहुत ज्यादा ध्यान आपको रखना पड़ेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह वर्ष कुछ अच्छा नहीं है। पेट विकारों में वृद्धि होगी। रात्रि के समय सिर दर्द बना रहेगा, क्योंकि मेष राशि के स्वामी मंगल सप्तम स्थान पर राहु शनि के पाप कर्तक योग से पीड़ित है। ग्रह शांति के लिए यहां हम आपको कुछ उपाय बता रहे हैं। मेष राशि के लिए इस बार शनि देव आपकी जन्म राशि से अष्टम स्थान पर बैठे हैं, जो कि तीसरी दृष्टि से कर्म स्थान, सप्तम दृष्टि से धन स्थान व दसवीं दृष्टि से पंचम स्थान, जो कि विद्या और बुद्धि का है, को देख रहे हैं। दृष्टि प्रभाव के चलते आपको कुछ समस्याएं समय समय पर आती रहेंगी। सारे ग्रह गोचर आपके लिए अनुकूल रहें और आप प्रसन्नतापूर्वक जीवन जिएं, इसके लिए हम आपको यहां कुछ विशेष उपाय बता रहे हैं। इन्हें ध्यान से सुने। पहला जो उपाय आता है वह आता है मंत्र क्षेत्र से। ओम हनुमते परमात्मने नमः मंत्र का जाप रोज 108 बार करें, इससे आपको बहुत लाभ होगा। दूसरा उपाय आता है यंत्र क्षेत्र से। हनुमान जी का सिद्ध यंत्र घर के मंदिर में स्थापित करें व रोज धूप दीप दिखाकर पूजन करें। तीसरा उपाय आता है रत्न एवं रुद्राक्ष क्षेत्र से। स्त्रियों को इस वर्ष के अच्छे प्रभाव प्राप्त करने के लिए माणिक्य धारण करना चाहिए और पुरुषों को इस वर्ष के अच्छे प्रभाव प्राप्त करने के लिए दसमुखी रुद्राक्ष लाल रंग के मूंगे के साथ कवच रूप में गले में धारण करना चाहिए। चौथा उपाय आता है दान क्षेत्र से। 1.25 किलो काली दाल, 1.25 किलो आटा कुछ दक्षिणा के साथ वृद्ध लोगों को दान करें व उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। पांचवा उपाय आता है जप एवं अनुष्ठान क्षेत्र से। सुंदरकांड का पाठ इस वर्ष घर में दो बार अवश्य करवाएं।
ज्यादा मानसिक कष्ट होने की स्थिति में राहु देव के जाप किसी योग्य पुरोहित जी से जरूर करवाएं। आपकी कुंडली के अनुसार आपका जो यह आने वाला वर्ष है 2016 ये कैसा रहेगा, ये जानने के लिए हमारे टीवी स्क्रीन पर चल रहे मोबाइल और ईमेल आईडी पर आप संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलिए मुझसे भाग्य मंथन में और बदले अपना भाग्य मेरे साथ। नमस्कार, आपका दिन शुभ व मंगलमय हो।